नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज रक्षाबंधन है, तो हम रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आए हैं अपना गांव और अपना गांव पे राखी बनवाएंगे। और ये देखिए हमारे भांजी लक्ष्मी कैसी हो, और ये है हमारा शिवम, हेलो गाइस, जो कि इंग्लिश बोलता है, हेलो गाइस। तो चलिए हम आपको आज अपना पूरा गाँव दिखाएंगे, गाँव घुमाएंगे, और बने रहिए हमारे साथ। देखिए हम अपना यहाँ एक हमारा नया घर बना है, जो कि दुकान भी है यहाँ पे। तो ये आपको दिखाते हैं, देखिए आप मेरा पीछे देख सकते हो, ये तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए ये नया घर। दुकान में कौन है अभी? कोई नहीं है, तो गेट बंद कर दो। तो दोस्तों सब पीछे आराम कर रहे हैं, तो हम सब अभी यहाँ हैं। हम हैं शिवम है और ये लक्ष्मी, हम तीनों का यहाँ पे गैंग है। यहाँ पे हम लोग तीनों साथ में घूमते हैं, तो आज कुछ स्पेशल करेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या हो पाता है। तो आप शिवम को जानते होंगे, ये शिवम है, आप चूटोनाद वाला ब्लॉग में आप इसे देखे होंगे। हाँ तो दोस्तों अभी ये है हमारे गांव का सीन, और अभी हम जा रहे हैं जोरिया तरफ, तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। और देखिए अभी मौसम भी थोड़ा लगता बारिश होगा, ऊपर दिखाओ, थोड़ा बारिश बारिश होने का सीन लग रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और इधर हम सब अभी जाएंगे जोरिया तरफ, देखिए कितना आराम से बैठे हुए हैं ये बकरियाँ। दोस्तों मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो इधर सब बोला करते थे कि इधर अकेले नहीं आना, इधर चोर वगैरह रहता है। छोटा हम डराते थे या सही में रहता मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो मुझे पता कि अभी नहीं था। और आज से 10 साल पहले का हालात कुछ और था दोस्तों। तो देखिए अभी इधर कितना सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये घर एक है जो कि नया बना है, पहले नहीं था इधर, रोड भी पहले नहीं था। और देखिए यहाँ से दूसरा गांव शुरू हो जाता है। देखिए ये हमारा आम का बागान, देखिए सिर्फ आम का ही पेड़ है। और देखिए ये है स्कूल, यही है स्कूल, यही है यही से खो-खो सीखे थे ना, यही है। यहाँ पे हम लोग खो-खो सीखते थे, खिचड़ी खाते थे। ये था, ये टाली वाला था दोस्तों सबसे पहले, और चला जाते थे घर। देखिए कितना घना जंगल है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। और आप सभी को पता है ये कौन सी पेड़ है? ठीक से दिखाओ, ये कौन सी पेड़ है आपका क्या बताए, कमेंट में बताइएगा अगर किसी को पता होगा तो। इधर 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 का पेड़ ठीक से देखिए, पत्ता ठीक से देखिए। और देखिए देखिए इधर देखिए खेती हो गया। और हम जोरिया के पास पहुंच चुके हैं, अब खेत को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने जोरिया होगा, क्योंकि सारे खेतों में धान की रोपाई हो चुकी है गाइस, सारे खेतों में। और ये देखिए फाइनली हमारा जोरिया। आप पानी की मात्रा देख सकते हो, लेकिन हाँ एक बात है कि यहाँ गर्मी का दिनों में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहता है, जब बारिश का दिन आती है तो ही पानी रहता है। और इधर भी देखिए, इधर का भी आप देखिए, चारों तरफ खेत ही खेत है और धान। तो दोस्तों हम जोरिया तरफ से घूम के आ गए हैं, और अब हम हैं अभी नया घर में, तो हम अभी जाएंगे पुराना घर। और चलिए तो वहाँ चलते हैं, ऑफ कर दो शिवम, इसको ऑफ कर दो, देखिए ऑफ करने कूलर को। पावर ऑफ कर दो मैं सीधा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं और जाएंगे अपना पुराना घर, लॉक कर दो।
तो अभी हम फाइनली पुराना घर आ चुके हैं और देखिए खटिया में लेटे हैं और ये रस्सी है जो कि पंखा कर रहा है और अभी फिलहाल लाइन नहीं है तो आप देख सकते हो हमारा हालात। और क्या बोले